जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम। बड़ी खुशखबरी के साथ चलिए आपको हम बताते हैं कि संजय गहलोत को पत्र देकर अनिल बैजल महामहिम एलजी साहब ने मनोनीत किया है और उन्हें चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग बनाया है। तो बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा जो है वो अब दिल्ली की कमांड जो है उसके हाथों में है। तो संजय गहलोत जी ने अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है। 1 मई को मनोनीत किया गया था और 4 मई को उन्होंने आज पहली बार सीट पर बैठकर जो है कर्मचारियों की समस्याओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। हमारे देश में जन्मे हुए अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, भगवान श्री जय वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने देश के संविधान के रचयिता, कानून के निर्माता, संविधान के रचयिता परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, अपने समाज में सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष किया जिन लोगों ने, उनमें प्रमुख रूप से स्वर्गीय श्री राम रखामल जी को नमन करते हुए, स्वर्गीय श्री रामकिशन भजनी जी को नमन करते हुए, स्वर्गीय श्री बालकिशन महासाहब जो हमारे समाज के अग्रणी नेता थे और आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, इनके साथ साथ हमारे दिल्ली प्रदेश में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारियों के शीर्ष नेता गण हैं, उन सबको भी चरण वंदना करते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव परम आदरणीय राजपाल नेहरू जी, जिनके साथ हमारा सौभाग्य रहा और आज भी अपना आशीर्वाद दिया है। आज जिस प्रकार आप सबके परम आशीर्वाद से ये हमें काम करने का मौका मिला है, इस मौके पर यही विश्वास दिलाया जाता है, क्योंकि देखिए ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20-25 वर्षों से आपकी सेवा में हम कार्यरत हैं। इसमें दिल्ली सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी और SC ST कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं परम आदरणीय राजेंद्र पाल जी गौतम और दिल्ली के माननीय महामहिम अनिल बैजल साहब जो हमारे उपराज्यपाल जी हैं, उन्होंने जो आज पर्द शक्ति इस्तेमाल की हैं, आप सबको ये विश्वास दिलाया जाता है इन सभी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में कार्यरत अपने सभी सफाई कर्मचारी, जिनमें ना केवल दिल्ली नगर निगम के, चाहे वो हमारे अस्पताल के कर्मचारी हों, चाहे वो जल बोर्ड के कर्मचारी, उन सबकी सेवा करने के लिए जो हमें यहाँ बिठाया गया है, आज पहला दिन है हमारा, आप सबको विश्वास ले आता है। क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब 1 तारीख को ज्वाइनिंग हुई हमारी, उसमें ना केवल दिल्ली से बल्कि देश के कोने कोने से, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का कोई कोना ऐसा नहीं था, पूरा प्रदेश, जहाँ से बधाई संदेश ना आए हों। देखिए इसमें जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, सबने एक तो उम्मीद होती है, एक अपेक्षा होती है, लेकिन अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा उम्मीद लोगों ने लगा रखी है। तो आज हम सबको यहाँ विश्वास दिलाते हैं बैठ के कि आपकी जो उम्मीदें हैं उन सब पे बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, उनको बिल्कुल सही तरीके से आपके लिए पूरा करेंगे। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज सबसे पहले जहां मेरे पिताजी ड्यूटी अपनी करते थे गीता कॉलोनी, उनकी कर्म भूमि रही है, मैंने उनको हाथ रेड़ी पे काम करते हुए, पसीना बहाते हुए देखा है। मैं स्वयं ही सफाई कर्मचारी हूँ, मजदूर हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं। अपने सफाई कर्मचारी क्या दुख दर्द हो सकता है ये भली भांति हम जानते हैं, इसलिए जो भी समस्याएं हैं वो सारी हमें पता है, हम बारीकी से इन सबका निदान करेंगे। और एक बात यहाँ कहनी और लाजमी है, जैसे मैंने जिक्र किया है कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे और जो जो भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, चाहे वो आई कार्ड की समस्या हो, चाहे किसी की पेटली वाली समस्या हो, हम बिल्कुल जड़ से लेकर चलेंगे इस काम को, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से। आज मैंने वहां राउंड लिया जहां मेरे पति सर्विस क्या करते थे, वहां भी मैंने उस जमीन को बहुत नमन किया कि जहां से हमें दाल रोटी खाने को मिली, होली दिवाली के मौके पे सड़कों पे काम करके वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके
उनकी रोटी ले लेके, उनकी मिठाइयां खा खा के होली दिवाली के त्यौहार पे हम सब लोग बड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम दुख दर्द समझते हैं कर्मचारी का, इसलिए इसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा परम सौभाग्य कि आपकी सेवा करने का मौका मिला, जिसको हम सही तरीके से निभा पाएंगे। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं ये विश्वास लेता हूं कि हफ्ते में नहीं तो कम से कम 15 दिन बाद, और कोशिश करेंगे पर डे रोजाना आप सबको रिपोर्ट मिला करेगी कि आज हमने ये काम किया है, आज हमने ये काम किया है। वहीं सबसे पहले शिक्षा विभाग का जो शोषण है वो संजय गहलोत के संज्ञान में आया, और वीर अशोक अंजाना जी जो निगम शिक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोर्चा के संस्थापक है, उन्होंने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर नाराजगी जताते हुए संजय गहलोत को अवगत कराया कि कई महीनों से जो है उनकी सैलरी नहीं मिल रही। तो संजय गहलोत ने जो है इस पर सबसे पहले संज्ञान लिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो है इस कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम।